नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन को केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। कई प्रदेश सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ रही है। कई एक्सपर्ट्स ने भी लॉकडाउन को और कुछ हफ्तों के लिए बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में केंद्र सरकार भी लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में कोरोना के 1,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में तकरीबन 4,500 कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 114 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई प्रदेशों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि लॉकडाउन को और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए। केसीआर ने जिस रिपोर्ट के आधार पर यह सुझाव दिया था, उसमें 2 जून तक लॉकडाउन लागू करने की अपील की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन को तुरंत नहीं हटाया जाना चाहिए, इनको चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को लॉकडाउन हटाने और लगाने का अधिकार देना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि भविष्य की स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि लॉकडाउन शायद बढ़ाया जाए। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।